नमस्कार किसान भाइयों, तहे दिल से सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आए आपको एक शानदार गौशाला दिखाने वाले हैं और आप ये गौशाला देखकर आप खुद चौंक जाएंगे। यहाँ पर कांकरेज और गिर दोनों प्रकार की नस्लें हैं और जो कांकरेज में जो वेराइटी है जैसे कि काबरी है, स्वर्ण कपिला है और गिर भी बहुत शानदार गौवंश है। और यहाँ पर हमने पहले भी वीडियो पहले अपलोड कर दिया है और यहाँ पर कुछ गाय अच्छी भी है, अच्छी यहाँ पर चेंजेस हुई है, वो भी हम आज इस वीडियो में दिखाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो बने रहिए वीडियो को एंड तक। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जो सबसे ऊपर की जो घंटी है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर हम कभी भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और मिलते हैं इस गौशाला से, वंडर से, और जानते हैं कुछ इस गौशाला के बारे में। तो बने रहिए। जय गौ माता, जय गौ माता। यहाँ पर हमने पहले भी शुरुआत में वीडियो अपलोड कर दिया है और सभी हमारे जो पुराने जो सब्सक्राइबर है उसे पता ही है, लेकिन जो हमारे नए सब्सक्राइबर है तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपना यहाँ का परिचय दें और इस गौशाला की आपने कितने साल पहले शुरुआत की थी उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। मेरा नाम है सजा भाई नागजी भाई रबारी, गाँव खेटवा, तालुको डीसा, जिलो बनासकाठा, गुजरात में। जी जी जी। हमारे पास गिर और कॉकरेज गाय है जी। हम बाप दादा से, हमारा मालधारी समाज में ये गौ वंश पहले से रहते जी, जी, पहले हम लोग बॉम्बे रहते थे, इसके बाद फिर लॉकडाउन हुआ तो घर में हम लोग गाय रखे जी और गिर रखा है, कॉकरेज रखा है और उसमें अच्छी अच्छी नस्ल वाली गाय भी रखा है। अच्छा। स्वर्ण कपिला है, वाइट कपिला है, लाल कपिला है, ब्लैक कपिला है। अच्छा। अलग अलग सब कॉकरेज गाय, गिर गाय सब रखा है और हमने बुल भी हमारा खुद का रखा है करके ब्रीडिंग के लिए जी। तो सभी भाइयों से आपको पता ही है कि ये रबारी समाज है और ये रबारी समाज जन्मजात से इस गायों के साथ जुड़ी होती है। जो सबसे जो पुराने जो ब्रीडर है ये रबारी समाज ही है। आपको पता ही है कि ये रबारी समाज के पास जो गाय होती है, जो बुल की जो वैरायटी होती है, वो ये रबारी समाज के अलावा किसी और की जगह ऐसी कांकरेज गाय और ऐसी गिर गाय नहीं मिलती। और यहाँ पर पहले भी हमने शानदार वीडियो अपलोड कर दी है और उसके पिता श्री श्री नागजी भाई देसाई थे, वो स्वर्गवास हो गया, फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है। तो भाई, हमें जो अंदर गौशाला में जो गाय है, जो यहाँ पर जो शानदार गौवंश है और ये गौवंश आप देखकर खुद आप चौंक जाएंगे, ऐसा गौवंश है। तो हम अंदर जाकर खुद आपको एक एक करके यहाँ के जो गौवंश है वो हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे और उसके बारे में पूरी डिटेल देंगे। तो बने रहिए वीडियो को एंड तक और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अंदर आइए, तो सदा भाई हमें अंदर जो गौवंश है वो दिखाने की कोशिश करें। फार्मिंग योगी आपको दुर्लभ और एक ही जगह पर कांकरेज में बेहतरीन वैरायटी दिखाने के लिए आ गई है। बहुत ही फेमस गौशाला पर जो दूध सी एकदम सफेद और कान नाक और सिंह भूरे हो, इसे स्वर्ण कपिला कहा जाता है। एकदम काली गाय को कपिला कहा जाता है। सफेद गाय के ऊपर काले धब्बे हो उसे काबरी कहते हैं। एक ही जगह ऐसी उच्च कोटि की अलग अलग ऐसी शानदार वैरायटी कांकरेज में मिलना बहुत ही दुर्लभ और मुश्किल है। खेटवा नागजीभाई देसाई, बड़ा रुतबा नाम चिन्ह व्यक्ति, दुबई तक गए हुए हैं। कांकरेज के साथ दुबई के मुख्यमंत्री भी बुला चुके हैं। फिलहाल नागजी भाई इस दुनिया में नहीं है, बहुत ही नेक इंसान थे। आप कोई भी जो गिर गाय है, कोई भी नस्ल ले लो, थारपारकर ले लो, साहिवाल ले लो, राठी, गिर, हरियाणा, कोई भी हमारी देसी नस्ल ले लो और उसका जो आप दूध, कोई अच्छी जो सिटी है, कोई मेगा सिटी है उसी पर आप उसका जो पूरा प्रचार करेंगे और सभी भाइयों को आप नॉलेज दे के पूरी तरह से उसका प्रचार करेंगे और बताएंगे ये देसी नस्ल का दूध है और आपको उससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपके बच्चों के लिए और ये टू मिल्क होता है जो अमृत सम्मान है
और आप अच्छी तरह से उसका दाम से बिक्री करेंगे तो आप अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो आप कोई डेयरी प्राइवेट डेयरी में ये दूध देंगे सेल करेंगे तो जो जैसे कि जो एच एम में जो मूल्य मूल्य मिलता है उसी मूल्य पर जाएगा। तो हमें इस देसी गोपालन में अच्छा बेनिफिट लेना है तो आपको इस प्रचार करना होगा और कोई भी अच्छी जो सिटी है उसी पर आपको खुद हैंड टू हैंड जाकर खुद वहाँ पर जाकर अच्छी तरह से उसका सेल करना होगा, तभी आपको यहाँ उसका जो प्रॉपर जो मूल्य है वो मिलेगा। और सभी भाई से रिक्वेस्ट है कि आपकी गाय कितने भी प्योर हो लेकिन आपको जो अच्छी तरह से उसका ब्रीडिंग करेंगे जो अच्छे दूध रिकॉर्ड वाले जो बुल है उसके आप गाभिन करेंगे तो आएगी जो बच्ची आएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देगी। तो श्रद्धा भाई हमें जो यहाँ का जो गिर गोमस है वो भी थोड़े हमें दिखाए। ये हमारा दुधरेज बड़वाड़ा मंदिर सुरेंद्र नगर में हमारा गुरु गादी है जी। उधर से हम लोग की ये बछड़ा हम लोग को गुरु जी हमारे भेंट किया है जी। ये सांड के लिए रखा है, एक बछड़ी दिया है जी। और रागण और रूपण की औलाती है दोनों। अच्छा, ये रागण का बछड़ा है। अच्छा। और बछड़ी है रूपण की। और ये इसका रिकॉर्ड कितना है? इसकी माँ का 18 लीटर बोला है। 18 लीटर दोनों टाइम का? दोनों टाइम 18 टाइम यानी कि ये 4000 अबाउट उसका जो रिकॉर्ड है वो 4000 अबाउट होगा। 4000 के ऊपर थोड़ा बहुत होगा, 4142। लेकिन जो उसका जो बुल का जो कैरेक्टर आप देख सकते हैं, सबसे अच्छा जो उसका जो पाल बोलते हैं कपाल बोलते हैं, कैमरामैन को मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा इधर आके जो फोकस करके भी दिखाए। ये देखो एकदम शानदार बुल है कृष्णा, एकदम जो उसका जो बुल का जो कैरेक्टर है एकदम देख सकते हैं, एकदम शानदार है। और ब्यूटी लाइन का है और जो आपको पता ही है कि उसकी जो आँखों से आप पहचान सकते हैं कि ये प्योर गिर में ही है। और ये भाई ने बोला कि 18 लीटर तो 9 लीटर दूध है इसका माँ का रिकॉर्ड है। तो भाई इस बुल का थोड़ा रिकॉर्ड के बारे में बताएं और उसके जो क्या यूनिक बात है वो थोड़ी हमें बताएं। और ये नस्ल को हम कैसे पहचान के प्रॉपर ये शुद्ध नस्ल में गिर में? हाँ, ये हमारा दुधरेज में पुरानी नस्ल है रागण और रूपण। वो तो हमारा समाज में सब लोग जानते हैं रागण और रूपण की औलाद थे जी। उनसे ये पुरानी लेन है उधर ही जी। वो गौशाला में कोई बाहर की गाय नहीं लेते, किसी को देते नहीं जी। ये हम लोग को बेट तरफ से दिया है तो हमारी गौशाला में औलाद सुधारने के लिए अच्छा नस्ल वाला था जी। तो हम लोग ने गुरु जी ने हमारा दिया है तो हम लोग ने उसको बुल के तरह रखेंगे, अच्छी सेवा करेंगे, उसका अच्छा रिजल्ट लेंगे जी। अच्छी औलाद का है, हमने उसकी माँ भी देखा है, उधर दूध भी निकाला है और अच्छा। रूप रंग देख के लाया, पूरा उसमें कोई भूल नहीं है, पूरा एकदम क्लियर है, बुल एकदम परफेक्ट है। उसका जो कॉम्पैक्ट बॉडी है बेहतर है। वो तो अभी नया नया आया है तो थोड़ा दिन नई जगह है तो ऐसा करेगा जी। और ये हम कांकरेज गाय देख पा रहे हैं, ये आपके घर की खुद की है? नहीं, ये हम लोग परचेस करके लाए। अच्छा, तो कोई रबारी समाज से लाए? भरवाड़ पास से हम लोग लाया था, यानी कि जो डेरा होता है। हाँ। जो रबारी समाज जो भरवाड़ा बोलते हैं। हाँ। उसका जो डेरे में से लाई। हाँ, ये खरीद के लाया। तो ये देखो भाई, जैसे कि आप बोलते हैं कि कांकरेज तो थोड़ा अग्रेसिव होती है, लेकिन जो उसका जो बॉडी कैरेक्टर है एकदम शांत है, आप देख सकते हैं। उसका जो सिंग है कांकरेज जो रबारी समाज होगी उसके पास जो स्पेशल जो गाय होगी उसका जो सिंग है बड़ा होगा और एकदम मुँह छोटा होगा, आप देख सकते हैं, एकदम मुँह एकदम छोटा है। और उसका जो थनों की जो बनावट आप देख सकते हैं शानदार है। और ये कितने महीने की गाभिन है? अभी 10 दिन की गाभिन है। अच्छा, और अभी बाखड़ी हो गई, अभी तो 2.5-3 लीटर दूध है, अभी 6-7 लीटर दूध दिए है। अच्छा, एक टाइम का 7 लीटर 14 लीटर दोनों टाइम का जी। और ये गाय ये पहले नहीं थी आपके पास? ये हमारे पास पहले थी, पर आप जब भी वीडियो बनाना है तो गाय के वाले के साथ भेज दिया था। अच्छा, बाकी उनका एक बच्चा भी हमारे पास है, उसकी बछड़ी भी। अच्छा, और अच्छी नस्ल में, और उसका अपना मोरवाड़ा गौशाला से उबरवर लोग लाए, उनसे हम लोग खरीद के लिए जी। भाई तो ये भी आपने आपको दुधरेज से मिला है? ये दुधरेज से मिला है। अच्छा, तो उसका क्या पूरा रिकॉर्ड है? इसकी माँ का 17-18 लीटर दूध भी था, इसका अच्छा। भी दूध पीती भी लाया हम लोग। अच्छा, तो क्या अच्छी नस्ल की गाय थी, बछड़ी भी अच्छी थी, तो हम लोग ने गुरु जी ने बोला भी बोलता है ये अच्छी औलाद की है, ये बछड़ी भी लेके जाओ जी। उसका हम लोग ने बेट तरफ से दिए। अच्छा, और उसका बाप कौन सा है पता आपको? वो उधर ही भावनगर लेन का गौशाला में सांड रखा है। बाकी अच्छा। उनका रागण रूपण का दो ही वाला थे। अच्छा, रागण की गाय भी अलग है, रूपण भी अलग है। अच्छा, उनका जो बुल है वो बाहर गौशाला से लेके आते। अच्छा, और सभी भाई से जो यहाँ पर जो स्वर्ण कपिला है वो भी हम आपको दिखाएंगे, ये देख सकते हैं। ये स्वर्ण कपिला कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा, आप देख सकते हैं उसकी जो कॉम्पैक्ट बॉडी आप देख सकते हैं। और भाई ऐसी एक ब्यूटी लाइन वाली जो गाय थी वो कहाँ गई?
वो हम लोग ने दुधरेज बड़वाला मंदिर में गौशाला में भेंट किया। अच्छा, हाँ? वो गौशाला में दुधरेज जी हमारी औलाद की उधर एक गाय दी है। अच्छा, उनकी बड़वाला की मंदिर रागण और रूपण की औलाद हम लोग को दी है। अच्छा, उनको शौक के लिए, बाकी कोई बिक्री नहीं, शौक के लिए। तो हमारा कनेराम बापू को शौक गाय का था। अच्छा, हम लोग हमारे इधर आए थे जी, उनको हमारी गाय पसंद आई, बोलते तुम्हारी अच्छी औलाद की गाय है, तो हम लोग को मंदिर में एक भेंट तरफ से दो जी। तो हम लोग ने एक भेंट तरफ से गाय दिया जी दुधरेज मंदिर में। उन्हें हम लोग ने वापस फिर हम लोग गए तो हम लोग को दो, एक बछड़ी और बछड़ा दोनों भेंट में दिए। अच्छा, ये आपने वो स्वर्ण कपिला दी। हाँ, और ये एक बुल और ये बछड़ी, दोनों दी, एक रागण और रूपण का, दोनों अलग अलग जी। आप देख सकते हैं ये गिर जो उसका जो स्वभाव है, उसका जो नेचुरल स्वभाव आप देख सकते हैं, एकदम शांत होता है। मैं पराया हो तो भी मेरे साथ जो कितना है आप देख सकते हैं, एकदम शांत स्वभाव में, कोई उस गाय को परेशानी नहीं आप देख सकते हैं। और ये गिर वैसे तो शांत होती है और 1-2% ही कहीं पर थोड़ी अग्रेसिव होती है, लेकिन गिर का स्वभाव ही एकदम शांत होता है। और उसका जो पूरा जो बॉडी कैरेक्टर है, आप किसी भी फार्म पर जाएंगे और गिर के जो स्पेशल जो फार्म होगा, तो आप कितने भी थके हुए होंगे, गिर के फार्म में जाएंगे तो आपको जो मन की जो शांति है, मन को जो अनुभूति है, जो मन की जो अस्थिरता है, वो एकदम शांत हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ क्रॉस, ये सब क्रॉस है क्या? ये क्रॉस है, ये देसी है, ये देसी है, ये आप देख सकते हैं, ये देसी और गिर दोनों में। और ये आप देख सकते हैं जस्ट बगल में ये एचएफ का फार्म है, ये एचएफ का है। आपको पता ही है कि ये एचएफ है, फिलहाल यहाँ पर 45 होगा टेम्परेचर, 45 टेम्परेचर है। तो ये जो एचएफ है वो ऐसे ही हाँफने लगती है और बीमार भी जाता होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं खुद पसीने से लथपथ हो रहा हूँ, तो भी ये गाय कितने शांत से यहाँ पर जो खड़ी आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा, आप देख सकते हैं जो पूरी जो गाय है कितनी शांत है, आप देख सकते हैं कोई भी परेशानियाँ नहीं है। और आपको पता ही है कि ये जो देसी नस्ल होती है, आप जितना ये गायों को ऐसे ही खुली रखेंगे और ऐसे ही पूरा अलग से खुला बाड़ा बनाएंगे और अलग से एक शेड में खुली रखेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देगी। और उसकी जो एक्सरसाइज है, उसका जो नेचुरल जो एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइज भी होगी और एकदम फ्री माइंड में होगी और ज़्यादा से ज़्यादा दूध देगी और अच्छी तरह से ये सर्वाइव कर पाएंगे। तो भाई हमें वो जो गाय देख पा रहे हैं वो सामने, हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि वो हमें थोड़े क्रॉस में दिख रही है गिर और कांकरेज में। वो भी कांकरेज है, वो बुल सामने गाय गिर खड़ी थी, उससे से थोड़ा कलर में और रूप में थोड़ा गिर तरह देखती, बाकी जी है कांकरेज भी। वैसे सभी भाई कभी जो हमारे जो सभी भाई है वो कमेंट करते हैं कि ये प्योर कांकरेज नहीं है, ये कांकरेज तो बड़े बड़े सिंग होना चाहिए, गिर में छोटे छोटे कान होना चाहिए, छोटा छोटा मुंह होना चाहिए, लेकिन ये A2 मिल्क देती है सभी गाय और एकदम प्योर ही होती है। थोड़ा बहुत तो क्रॉस होता है लेकिन वह सब हमारी जो देसी नस्ल ही है। तो भाई आपके जो गिर है फिलहाल सबसे ज़्यादा जो दूध देने वाली गाय कौन सी है फिलहाल, जो आपके जो फार्म पर जो सबसे ज़्यादा दूध कौन सी गाय देती है? वाली तो एक ये पायरे करके गाय है। अच्छा, ये पारेवा? हाँ, पारे। अच्छा, एक मोर है अभी ड्राई है। अच्छा अच्छा, 8-9 लीटर दूध हम लोग को दिया है एक टाइम में। ये पहले बेतर में 7.5-8 लीटर दूध दिया पहले बेतर में, अभी दूसरे बेर गाभी। अच्छा, ये दूसरे बेतर अभी गाभी है। बछड़ा था हम लोग ने सैकड़ा गौशाला में बुल तरफ से भेज दिया उधर। अच्छा, इसका बछड़ा हम लोग ने सैकड़ा गौशाला में जी बुल के लिए उधर भेजा, अच्छी रिकॉर्ड वाला बछड़ा था जी, और बावल लैंड का बछड़ा था। अच्छा अच्छा, उधर हम लोग ने भेंट में दे दी। जो बच्चा आया था वो उसका जो गाभिन करने वाला बुल, ये अपना जो बड़ा वाला है, ये गाभिन उधर भावनगर से होके आई। अच्छा, और ये दूसरे बिया तो यहाँ पर बीने वाले हैं। हाँ, अभी ये बुल से प्रेग्नेंट हुई। अच्छा, और ये अभी कोई गिर गाय अभी दूध दे रही है फिलहाल? अभी 2-3 गाय दूध देती है, अभी बाखड़ी है, अभी ड्राई पे है, क्या गाभिन है, गर्मी की सीजन है अभी, तो 2-3 अच्छा, दूध देती है। अच्छा, 4-5 लीटर बाखड़ी हो गई अभी। अच्छा अच्छा, और ये दूध आप जो एचएफ का है और गिर का है, ये देसी नस्ल का गिर कांकरेज सभी का मिक्स करके देते हैं या मिक्स? तो उससे क्या फैट आता है सब मिक्स में? सब मिक्स में 4-4.5 फैट, 32-33 रुपये जाता होगा। और बेनिफिट मिल जाता है आपको? हाँ। अच्छा, वो कमा लेते हैं। एचएफ गाय का 3-3.5 फैट आता है, ये गिर का और कॉकरेज का दोनों मिक्स जाता है 4-4.5 आता है, हमारा वो भी 32 रुपये भाव से जाता है जी। तो श्वेता भाई, आप इस देसी गोपालन से संतुष्ट है? हम लोग। अच्छा, तो हमारे जो सभी दर्शक मित्र हैं उसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप बेहतर बेनिफिट
क्योंकि जो हमारे जो काफ़ी किसान भाई है, पशुपालन भाई है, ऐसे सेवा तो करते हैं, तो सेवा तो एक दो गायों की जाती है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में जो गाय रखेंगे तो उसको बेहतर HF से जगह या गिर से HF से उसे बेनिफिट होगा या ये देसी नस्ल है, उसके बारे में थोड़ा हमारे सभी दर्शक मित्र है उसे पूरा विस्तार से बताएं कि आप हमारे पशुपालन भाई है उसे क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो दूध का व्यवसाय करना चाहता है तो वो तो HF दूध के धंधा के लिए और आवक के लिए रखना तो HF रखो। अच्छा। बाकी शौक और सेवा और करना हो तो गिर और कॉकरेज रखो। हमारा अच्छा। पिताजी का पुराना शौक था गाय का। अच्छा। तो हम लोग बॉम्बे भी गाय रहते थी तो अच्छा। हम लोग बॉम्बे रहते थे तो गाय की सेवाई करते थे। अच्छा। मेरा पापा दुबई भी रहते थे। अच्छा। उधर भी गाय थी। अच्छा। तो इनका पहले से गाय का बहुत शौक था। अच्छा। तो घर में भी बोलते बाहर नौकरी करते बेटा घर में गाय की सेवा करो। अच्छा। और मेरा शौक है तो शौक अच्छा। मेरा पिताजी का हम लोग पूरा किया। अच्छा। और अभी भी हमारा पापा का गाय खरीदा हुआ है, हम लोग ने रखा है, हम आगो जग हम लोग ये गाय रखेंगे। हमारा पिताजी का गाय खरीदी हुई है, हम लोग को शौक है, जैसा पापा का शौक था हम लोग को भी शौक है। अच्छा। इनसे लगा हुए। अच्छा। हमसे इनसे संतोष है। अच्छा। और दूध का हमारा डेयरी में भरने के लिए HF भी है और खेती बाड़ी भी है, बाकी इससे साथ हम लोग को एकदम प्रेम से भाव से जुड़ा हुआ पहले से। अच्छा। हमारा शौक है। अच्छा। इसी वजह बाकी जिसका दूध का धंधा है वो HF रखे। अच्छा। शौक और सेवा करना है, घर में इनकम आने वाली नौकरी धंधा है तो बाकी गिर रखो। दूध घर में बच्चे के लिए भी अच्छा है और इसमें कोई बीमारी हो तो ये गाय का दूध पियो, कोई बीमारी भी नहीं आती। अच्छा। हम लोग ने ट्राई मारा है। अच्छा जी, यानी कि ये देसी नस्ल है उसको आपको पता ही है कि ए टू मिल्क होता है। आपको पता ही है कि ये ऊपर जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पर सूर्य नाड़ी और केतु नाड़ी दो नाड़ियाँ साथ में रहती है, और आपको पता ही है कि ये गाय जब ऐसे ही धूप में चलेगी, ऐसे ही जो उसके दोनों नाड़ियों के अंदर जो घर्षण होगा, तो उसके अंदर जो घर्षण होने के कारण उसके स्वर्णसार, जैसे अपन कैरोटीन नाम का जो पदार्थ बनता है जिसे अपन स्वर्णसार कहते हैं, और वो स्वर्णसार बनकर डायरेक्ट जो नीचे अडर में आता है, और जो वास्तव में जो हमारा जो देसी सभी गायों का जो दूध है वो वास्तव में वाइट कलर का होता है, लेकिन ये स्वर्णसार मिलने से जो दूध है वो पीला हो जाता है, जिसे अपन स्वर्ण जैसा एकदम पीला दूध बनता है, और वो दूध की जो क्षमता है आप देख सकते हैं कि कोई ये देसी नस्ल का कोई भी आप दूध का सेवन करेंगे तो जो इम्यूनिटी जो पावर है, इम्यूनिटी जो बूस्टर की तरह वो काम करेगा, आपको जो कोई भी बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी। तो थैंक यू शादा भाई हमारे साथ जुड़कर हमें शानदार माहिती दी, सो आपको तहे दिल से धन्यवाद जी। तो मित्रों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो आज की वीडियो में बस इतना, जल्द मिलते एक नए वीडियो में। भारत माता की जय, वंदे मातरम।